जय हिंद एंड वेलकम टू आर्मी बॉयज। कहा जाता है एक चीज है कि हिंदी इंग्लिश एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। सो है क्या ना, कुछ कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे हैं ना जिसका जो हिंदी मीनिंग होता है ना वो हम अंग्रेज जो है हम लोगों से चुरा के लेके गए हैं कि जो हिंदी है उसी को उन्होंने क्या कर दिया है, इंग्लिश कर दिया है। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ही वर्ड्स पे जो हिंदी है उसी का वो क्या है, इंग्लिश भी है। ठीक है, जैसे बाजार। ठीक है, पहला वर्ड हमारा क्या हो गया, बाजार। और इस बाजार को ना आप इंग्लिश में भी बाजार ही लिख सकते हो। क्या कर सकते हो आप, बाजार ही लिख सकते हो, किसमें, इंग्लिश में भी। ठीक है जी, अब दूसरे वर्ड्स पे हम लोग आते हैं। दूसरा एक हमारा एक और वर्ड है, क्या है, चीता। ठीक है, चीता को भी आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में चीता ही लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं, क्या है, कूली। कूली नंबर वन मूवी हर किसी ने देखा होगा, सो उसको भी क्या कहते हैं, कूली को भी इंग्लिश में कुली ही कहते हैं। ठीक है, बस स्पेलिंग पे आप थोड़ा सा फोकस करना एंड नथिंग एल्स। उसके बाद चौथा नंबर पे आ जाएंगे धोती। तो धोती को भी ना इंग्लिश में क्या कहते हैं, धोती ही कहते हैं। क्या कहते हैं, धोती को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, धोती ही कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मस्त वाला वर्ड है प्यारा सा, फकीर। हम तो फकीर हैं साहब, क्या है, फकीर। उसको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, फकीर ही कह सकते हो आप। ठीक है जनाब, चलो जी नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं घी। देसी घी के लड्डू बहुत पसंद है बच्चे, सो घी को भी इंग्लिश में क्या कहते हो, घी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक क्या होता है ना, पुलिस लोग क्या करते हैं, जब भी कहीं पर बहुत ज्यादा घेराव हो जाता है, कहीं पर कुछ घटना होती है, सो क्या करता है, जाकर वहां पर पुलिस क्या करता है, घेराबंदी कर देता है, घेराव कर देता है। क्या करता है, घेराव करता है। सो उसको इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, घेराव। घेराव को घेराव ही आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद समुद्र में क्या आता है पता है, समुद्र में आता है ज्वार भाटा। तो ये जो ज्वार होता है ना, इसको इंग्लिश में आप ज्वार भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ज्वार, पर जो स्पेलिंग है वो ज्वार करके लिखना होगा जी। ठीक है, चलो इसके बाद एक मंदिर जाओगे ना आप, तो मंदिर में कुछ कोई मिले ना मिले, क्या मिलते हैं, एक चीज, एक इंसान जरूर मिलेंगे, वो कौन होते हैं, पंडित। ठीक है, सो पंडित को हम लोग इंग्लिश में पंडित भी कहते हैं। ठीक है, आप प्रिस्ट कह सकते हो, पुजारी, पर पंडित को इंग्लिश में पंडित भी कह दोगे तो आप चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है, पर्दा होता है, पर्दा होता है, पर्दा। ठीक है जी, पर्दा है, पर्दा वाला गाना तो है ना, वो वाला पर्दा। और या फिर कुछ महिलाएं हमारे देश की क्या कह पहनती हैं, वो बुरखा पहनती हैं, राइट। कुछ महिलाएं हैं, कुछ कम्युनिटी के, वो लोग क्या कहती, क्या पहनती हैं, बुरखा पहनती हैं। सो उसको पर्दा या फिर बुरखा, इसको इंग्लिश में आप पर्दा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पर्दा, पर्दा। ठीक है जी, ठीक है, पर्दा आपने लिख दिया। एक और वर्ड है हमारा जो हम लोग खाते हैं, उसके बिना दिन नहीं गुजरता है, वो क्या है, समोसा। समोसा, समोसा। तो समोसा को आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में समोसा भी लिख सकते हो। एक लास्ट वर्ड हम लोग आज देखते हैं जो भारतीय नारियां पहनती हैं, क्या है, साड़ी। क्या होता है, साड़ी। तो आप इसको SARI भी कर सकते हो, SAREE भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, क्या, जिसका जो हिंदी होता है उसी को अंग्रेज ने चुरा के क्या कर दिया, बदमाशी कर दिया है, उसी का इंग्लिश डाल दिया है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।